को नंगा करना है तेरी माँ को। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि खंडवा में एक मुस्लिम व्यक्ति ने साधु के साथ ऐसा व्यवहार किया। इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है। फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल है, लेकिन जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि वायरल दावा सरासर गलत है। वायरल वीडियो में स्क्रीन पर पृथ्वी चक्र का लोगो दिख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ऑल्ट न्यूज ने सर्च किया। 24 मई को पृथ्वी चक्र नाम के चैनल ने ये वीडियो पोस्ट किया था। पोस्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रवीण नाम के एक व्यक्ति ने साधु की पिटाई की और उसके बाल काट दिए। आगे सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट मिली। आर्टिकल के मुताबिक खंडवा के पतजन गांव में प्रवीण गौर नाम के लड़के ने इस साधु के बाल और दाढ़ी काट दिए थे। लिखा है कि प्रवीण एक होटल व्यवसायी का बेटा है और उसने नशे की हालत में साधु के साथ ऐसा व्यवहार किया था। आज तक ने खबर दी कि इस मामले में पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा के SP विवेक सिंह के हवाले से बताया गया है कि इस मामले में केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। खंडवा के थाना प्रभारी PR डावर ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है और साधु को पीटने वाला व्यक्ति हिंदू समुदाय से ही है। यानी खंडवा में एक व्यक्ति ने साधु की पिटाई की थी, जिसका वीडियो सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया गया, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से नहीं है।